हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एलोकेशन मेथड, या आप इसको बोल सकते हो फाइल एलोकेशन मेथड, जो कि फाइल सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काफी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं एलोकेशन मेथड का एक्चुअल में पर्पस क्या है। मतलब हमारे पास जो फाइल सिस्टम है वो करता क्या है। लेट्स से मेरे पास एक फाइल है, फाइल का नेम है F1, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क है, दैट इज योर सेकेंडरी स्टोरेज। अब हम करते क्या है, या फाइल सिस्टम एक्चुअल में करता क्या है, इस फाइल को लॉजिकली डिवाइड करता है ब्लॉक्स में। मतलब इस फाइल को एज इट इज डिस्क में डालने से पहले वो क्या करेगा, इसको लॉजिकली डिवाइड करेगा ब्लॉक्स में। और दूसरी तरफ हमारे पास जो हार्ड डिस्क है या परमानेंट जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज में हमारे पास है क्या, सेक्टर्स हैं, जो आप कह सकते हो फिजिकल ब्लॉक्स, मतलब जहां पे डेटा एक्चुअल में रिजाइड करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। ऑल्दो सेक्टर्स इस तरीके से नहीं होते, वो हमारे पास प्लेटर्स है, प्लेटर्स के ऊपर हमारे पास सरफेसेस होते हैं, सरफेसेस के ऊपर ट्रैक्स होते हैं, और ट्रैक्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, सेक्टर्स, इस तरीके से। लेकिन ये जस्ट मैं आपको सिंपल विजुलाइज करके दिखा रहा हूं कि ये जो है डेटा हमारे पास जो है वो कैसे सेक्टर के ऊपर लोड होता है। तो देखो, फाइल सिस्टम ने किया क्या, उसने डेटा को पहले डिवाइड किया, फाइल को डिवाइड किया, लॉजिकल पार्टीशन किए, और इन ब्लॉक्स को अब वो क्या करेगा, इन फिजिकल सेक्टर्स के ऊपर, मतलब डिस्क के जो फिजिकल सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के ऊपर डालेगा। अब देखो, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे हम उसको डाल रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक को, एक फाइल के ब्लॉक को हम कहां पे डाल रहे हैं, किस वे से डाल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द एलोकेशन मेथड। तो एलोकेशन मेथड आपका कॉन्टिग्यूस भी हो सकता है, ये आपका नॉन कॉन्टिग्यूस भी हो सकता है। और नॉन कॉन्टिग्यूस में हमारे पास आगे दो आते हैं, लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो इसको समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, लेट्स से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हमने किया कि दूसरी तरफ हमारे पास लेट्स से एक रूम है, और रूम के अंदर हमारे पास सीट्स हैं, बेंचेस हैं खाली। अब हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में फाइल सिस्टम जो है वो कर क्या रहा है, कि हमने करना क्या है, कि हमने स्टूडेंट्स को रूम के अंदर लेके जाना है, स्टूडेंट्स को हमने एलोकेट करना है रूम के अंदर बेंच, कि तू इस बेंच पे बैठ जा, तुम इस बेंच पे बैठो, तुम इस बेंच पे बैठो। तो फाइल सिस्टम एक्चुअल में क्या कर रहा है, कि ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, पहले मैंने क्या किया कि उन स्टूडेंट्स को सेक्शंस में डिवाइड किया, मतलब सेक्शन बना दिए उसके, कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन को उठा के हम क्या कर रहे हैं, उनको रूम के अंदर लेके आ रहे हैं। तो रूम के अंदर हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक तो कॉन्टिग्यूस, कॉन्टिग्यूस का मतलब क्या है, कि मैं बोलूंगा कि ठीक है रोल नंबर 1 बेंच नंबर 1 पे बैठ जा, उसके बाद रोल नंबर 2 बेंच नंबर 2 पे, 3 बेंच नंबर 3 पे, इस तरीके से कॉन्टिग्यूस एलोकेट कर देंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि रोल नंबर 1 बेंच नंबर 1, रोल नंबर 1 स्टार्ट आप बेंच नंबर 10 से भी कर सकते हो। लेट्स से आपने बोला कि रोल नंबर 1 बेंच नंबर 10 पे चला जा, अब रोल नंबर 2 कहां बैठेगा, बेंच नंबर 11 पे बैठेगा, 3 कहां बैठेगा, 12 पे बैठेगा, मतलब 13 पे, फिर 14 पे, मतलब आपको एलोकेट करना है कॉन्टिग्यूसली, लेकिन स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, तो दैट इज एक्चुअली द कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। ऐसे ही रैंडम भी आप डाल सकते हो, मतलब एक को बोल दिया कि हाँ भैया रोल नंबर 1 बेंच नंबर 5 पे चला जा, रोल नंबर 2 बेंच नंबर 90 पे चला जा, रोल नंबर 3 बेंच नंबर 53 पे चला जा, दैट इज अ रैंडम एलोकेशन। सो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द सिनेरियो, हम कॉन्टिग्यूस भी करते हैं, नॉन कॉन्टिग्यूस भी करते हैं। तो एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछता है कि एलोकेशन मेथड का पर्पस क्या है, इससे हम अचीव क्या कर रहे हैं, तो पहली चीज हम क्या अचीव कर रहे हैं, एफिशिएंट डिस्क यूटिलाइजेशन, मतलब जो हमारी डिस्क है उसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज प्रॉपरली करने का मतलब क्या है, कि डिस्क की कुछ कैपेसिटी है, लेट्स से 1 TB कैपेसिटी है, अब उस कैपेसिटी को मुझे प्रॉपरली यूज करना है, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है। ऐसा ना हो कि इसमें कोई फ्रेगमेंटेशन अकर हो रही है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हो रही है, या फिर कुछ ब्लॉक्स हैं जो प्रॉपरली फिल नहीं हो रहे, मतलब हम चाहते हैं कि प्रॉपरली यूटिलाइज हम उसको कर सकें। और दूसरी एडवांटेज हम क्या ले रहे हैं, एक्सेस,
हम कह रहे हैं कि हमने डेटा जो है वो डाल दिया डिस्क के ऊपर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उस डेटा को कभी एक्सेस ही नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग क्या कर रहे हो, अपने लैपटॉप में डेटा रोज की रोज इकट्ठा करते हो, कई बार डाउनलोड करते हो, पेन ड्राइव से लेके आते हो, मेल पे आपके पास आया वहां से डाउनलोड किया, तो मल्टीपल तरीके से आप डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हो। अब उस डेटा को इकट्ठा करने में आप ऑब्वियसली आप क्यों कर रहे हो उसको इकट्ठा, ताकि जब टाइम आए आप उसको एक्सेस कर सको, मतलब उसको रिट्रीव कर सको, तो एक्सेस शुड बी फास्ट। तो अगर एलोकेशन मेथड हम प्रॉपरली यूज करेंगे तो मेरा जो एक्सेस है वो क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, मतलब एक्सेस टाइम कम लगना चाहिए, तब ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस भी सिस्टम की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कम टाइम पे डेटा को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि एक्सेस टाइम शुड बी लेस। और आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि मेरा जो एक्सेस है स्पीड दैट शुड बी फास्ट। तो ये एक्चुअल में दो एम है किसके, एलोकेशन मेथड के, कि कैसे हम डिस्क को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम एक्सेस को क्या कर सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिग्यूस एलोकेशन होता क्या है, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, ऐसे ही नॉन कॉन्टिग्यूस में क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।